सो ही फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज का व्लॉग होने वाला है, हमारा समर ब्रेक स्टार्ट होने वाला है, तो अब नया सेक्शन शुरू होगा 1 जुलाई से। तो बस यहाँ पर हम क्लोजिंग टाइम कर रहे हैं, अपना सारा रिकॉर्डिंग वर्क हमने कंप्लीट करा, और भी मेरा सारा स्टाफ जो है वो अपना वर्क कंप्लीट कर रहा है और वेट कर रहे हैं अपनी अपनी सैलरी का। थोड़ी देर बाद मेरा नंबर आ गया और मुझे मेरी सैलरी मिल गई। ये इसी का ही तो वेट था। उसके बाद हमें पार्टी मिली अपनी प्रिंसिपल मैम की तरफ से, समोसे और कोल्ड ड्रिंक, तो हम सब ने वो इन्जॉय किया। और मेरा स्टाफ इतना क्यूट है ना, बस मैं क्या बताऊँ, बहुत अच्छे और सपोर्टिव स्टाफ है हमारा सारा। हम एक दूसरे के साथ ऐसा रहते हैं जैसे हमारी अपनी फैमिली हो। और उसके बाद सबका चलने का टाइम हुआ, सब ने अपना वर्क कंप्लीट किया। क्लोजिंग डे था और फिर लास्ट डे था, क्योंकि अब हम लोग 1 महीने के बाद मिलेंगे। एक दूसरे को खुदा हाफिज़ किया और कहा कि हाँ, इंशाल्लाह 1 जुलाई में हम सब दोबारा मिलेंगे। और मैं अपने स्कूल को बहुत मिस करूँगी, और मैं सबको बुला रही थी क्योंकि अचानक हमारा प्लान बन गया था बाहर जाने का। तो यहाँ पर सब ने मिलकर जो था डिस्कशन किया, और अचानक प्लान हो गया हमारा गन्ने का रस पीने का। उसके बाद हम सब ने गन्ने का रस भी इंजॉय किया, मतलब आज तो हद ही हो गई। समोसे, कोल्ड ड्रिंक, गन्ने का रस, मतलब आज का तो दिन ही सुपर्ब था। यहाँ मेरा और स्टाफ हंस रहा था, थोड़ा सा कैमरा शाय है, शर्माते हैं, नहीं आना चाहते हैं कैमरे के आगे, लेकिन मैंने फिर भी छोटे छोटे उनका वीडियो ले लेती हूँ। फिर उसके बाद हम सब ने एक दूसरे को खुदा हाफिज़ कहा, और देखिए सब मेरी सारी टीचर्स एक दूसरे को बाय कर रही थी और विश कर रहे थे कि आप सबके समर ब्रेक्स बहुत अच्छे जाएं और हमारे भी। और इसे तो मैं ख़ास तौर पर छेड़ती हूँ, ये मेरी बहन भी हुई है, मुंह ढके ढके फिर रहे हैं कि बस हमारा फोटो ना आए किसी तरीके से। फिर उसके बाद हम लोग चल दिए अपनी डेस्टिनेशन की तरफ, क्योंकि हमने प्लान बनाया था कहीं बाहर जाने का। और आज तो सबकी जेब गर्म थी, सबको सैलरी मिली थी, तो हमने सोचा कि हम चलते हैं आज कुछ खाने पीने के लिए, थोड़ा सा चिट चैट करने के लिए। तो चल दिए हम अपने एक रेस्टोरेंट में। रेस्टोरेंट में हम लोग पहुंच गए और एक साथ गए, थोड़ा वॉकिंग डिस्टेंस पर था, इतना टेंशन भी नहीं हुई, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो हमने सोचा चलो कुछ अच्छा सा ऑर्डर करेंगे। फिर हम गए अंदर, और उसके बाद देखिए मैंने यहाँ की लोकेशन ले रखी है, ये हमारी लोकेलिटी में एक अच्छा रेस्टोरेंट खुला है, इसे कहते हैं कमल स्वीट। और यहाँ का फूड जो है वो बहुत ऑसम है, टेस्ट वाइज भी बहुत अच्छा है, और साथ ही साथ जो क्वान्टिटी देते हैं ये फूड की वो भी बहुत अच्छी होती है, काफ़ी अच्छा होता है और पॉकेट बजट के अंदर भी आता है। तो हमने जल्दी से करा सीट का सिलेक्शन, क्योंकि हम 4-5 फ्रेंड्स थे और हम लोग दूसरे टाइम में एक बार बाहर जा रहे थे, तो हमने पकड़ी अपनी सीटें और बैठ गए। और उसके बाद देखा हमने अपना मेन्यू, मेन्यू में सर्च करा कि कौन क्या खाएगा, सब ने अपनी मनपसंद वाली जो चीज़ें थी ऑर्डर करी। चलिए मैं दिखाती हूँ कि आगे हम लोगों ने क्या क्या ऑर्डर किया। चलिए पहले बैठते हैं और थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि कौन क्या मंगाएगा। सो द फूड इज़ हेयर, मेरी फ्रेंड से मंगाया सैंडविच, और ये जो है चीज़ सैंडविच है, और टेस्ट वाइज बहुत ऑसम था। और हम लोगों ने एक ऑर्डर किया था पनीर चाउमिन, वो भी बहुत टेस्ट वाइज अच्छी थी। नेक्स्ट ऑर्डर था हमारा वेज चाउमिन, वो भी हम सब ने ऑर्डर करी और एक साथ मिलजुल कर खाई, और मैं इसको बार बार बीच में छेड़ रही थी अपनी बहन को। उसके बाद हमने ऑर्डर किए छोले भटूरे, और छोले भटूरे जो होते हैं वो फुलफिलिंग होते हैं। उसके बाद हमने खाया पिया और चल दिए वापस अपने घर की तरफ। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगेगा, फिर मिलेंगे, ओके बाय।